नमस्कार दोस्तों दोस्तों जो मुझे आपने प्यार दिया पिछली वीडियो में, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेयर्स बनाना। तो अगर आप अपने घर के स्टेयर्स बनवा रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक देखने के बाद इस वीडियो को आप अपने घर का स्टेयर्स का कोटेशन अपने कॉन्ट्रैक्टर को आराम से दे पाएंगे और आपको चलेगा पता कि स्टेयर्स वो सही बन भी रही है कि नहीं बन रही है। तो चलिए चलते हैं साइट पे और साइट पे जाके देखते हैं कि स्टेयर्स किस तरह की होनी चाहिए और क्या गलती हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं और आपको नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो आप चाहे किसी भी तरह के स्टेयर्स बनवाना चाहते हो, वो हर किसी में लगभग सारी बातें उसमें लागू होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम राइज़र से। दोस्तों राइज़र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेयर्स के अंदर। ये इसका हाइट डिसाइड करता है स्टेयर्स की। और राइज़र आप 6 इंच रखें, जो मेरा मानना है, जो मैं अपनी साइड्स पे भी 6 इंच का रखता हूँ राइज़र, उससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाता हूँ। काफ़ी जगह मैंने देखा है राइज़र लोग 10 इंच का या 1 फिट तक भी देखा है, यानी 12 इंच का लोग राइज़र रख लेते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। जगह बचाने के चक्कर में ऐसा कर देते हैं, या कुछ नौसिखिए ठेकेदार होते हैं जिनको नहीं पता वो हाइट का और वो सही से हाइट निकाल नहीं पाते, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इससे। तो आप ध्यान रखें जो आपका राइज़र है ये 6 इंच हो, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है और वो अगर चढ़ता है और आपका राइज़र 10 इंच है 12 इंच है तो कितनी प्रॉब्लम आएगी उनको चढ़ने के लिए ऊपर भी। तो आप ज़िंदगी भर आप पछताएंगे कि मैंने इतनी हाइट की सीढ़ी, इतना हाइट का जो पैडी है राइज़र, इतना ज़्यादा क्यों रखवाया। तो क्योंकि राइज़र के ऊपर आपका पत्थर या टाइल भी आती है, तो राइज़र का हाइट आप उसी हिसाब से रखें, तो 6 इंच आपका राइज़र होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड दोस्तों मतलब जो पैड़ी हो गई, इसकी जो लेंथ है ये 12 इंच होनी चाहिए, यानी कि 1 फिट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई लोग जगह बचाने के चक्कर में ऐसा कर लेते हैं कि इसकी ट्रेड को 6 इंच या 8 इंच कर लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटी हो जाती हैं पैड़ियाँ। आप पैर रखोगे तो आपका पैर भी शायद आधा आएगा, आपका पैर अगर लंबा है तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, इसको 1 फिट रखें 12 इंच जो मैं अपनी साइड्स पे रखता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फ्लाइट थिकनेस की। अगर आप कटिंग वाली स्टेयर्स बनवा रहे हैं तो उसमें फ्लाइट थिकनेस की कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मल स्टेयर्स में ये फ्लाइट थिकनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है फ्लाइट थिकनेस लोग 4 इंच करा लेते हैं, 3 इंच करा लेते हैं और इससे सीढ़ियाँ आपकी कोलैप्स हो सकती हैं। तो आपकी फ्लाइट थिकनेस को 5 इंच रहना चाहिए। 5 इंच से ज्यादा करोगे तो वो वेट बढ़ाएगा स्टेयर्स के अंदर, किसी काम का नहीं है, बट 5 इंच से कम करोगे तो वो कोलैप्स कर सकता है, तो 5 इंच बेस्ट रहे आपके लिए। फिर दोस्तों बात करते हैं आपकी विड्थ की, यानी आपकी स्टेयर्स की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अब चौड़ाई भी कई लोग मैंने देखा है जगह बचाने के चक्कर में चौड़ाई को 2.5 फिट कर देंगे या 3 फिट से भी कम रखते हैं, बल्कि 2.75 फिट कर लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप सामान अपना नीचे से ऊपर चढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर रहते हैं, आपका सामान या ऊपर है कोई रूम है, तो सामान नीचे से ऊपर ले आने में आप खुद सोचिए कितनी प्रॉब्लम आपको आने वाली है। आपको जबरदस्ती सामान फिर खींच के उठाना पड़ेगा बाहर से। तो राइजर जो आपका जो ये विड्थ है इसको आप 3.5 फिट रखें। इसमें आप अब सामान भी ऊपर से आराम से नीचे ले जा सकते हो और स्पेस भी ज्यादा नहीं लेता। फिर दोस्तों हम बात करते हैं लैंडिंग की। लैंडिंग जो आपकी बड़े वाली पैड़ी होती है, अब क्योंकि आपकी विड्थ 3.5 है तो पैड़ी भी आपकी 3.5 फिट रहने वाली है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, ये दोस्तों फ्लाइट एंगल, यानी आपके जो जीना है इसकी जो एंगल है वो कैसा रहेगा। कई बार लोग इसको 45 डिग्री से ऊपर तक कर देते हैं दोस्तों। कई मैंने मार्केट में देखा है ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने जीने बनाए हुए हैं जगह बचाने के चक्कर में, उसको 45 कर दिया है। अब उसके सॉल्यूशन है कि आपने 45 की जगह उसको 35 रखें, क्योंकि देखो 35 रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और काफी बार मेरे साथ भी होता है कि कई जगह मुझे कम स्पेस मिलती है और मैं फिर भी कुछ निकाल के उसको 35 डिग्री ले आता हूं। तो इसका सॉल्यूशन जो मेरे पास है, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि आपके पास स्पेस कम है और आप सोच रहे हैं कि इसको जीने को थोड़ा और खड़ा कर देते हैं तो जीना आराम से निकल जाएगा, इसकी जगह आप जीने की जो लैंडिंग हाइट है उसको कम कर दीजिए, यानी आप जीने को बढ़ाएं इस तरह से जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, इसको बढ़ाएं और 9 फिट पे जाके एक अपना पेड़ा छाप दें, उसके नीचे आपकी गाड़ी भी आराम से खड़ी जाएगी, छोटी गाड़ी होगी उसकी हाइट भी 9 फिट काफी है, और 9 फिट से दोबारा से आप पेड़ा ऊपर चढ़ा दें तो आपका जो है खड़ी पैड़ी नहीं बनेगी, कम से कम स्पेस में आपका अच्छा पैड़ा बन जाएगा। क्योंकि देखिए आप स्टेयर्स जो बनाते हैं जिंदगी भर के लिए, आप उसको जब ऊपर नीचे उतरेंगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा कि यार मैंने क्या कर लिया गलती। तो क्योंकि अब कई सारे घरों में ऐसा होता है कि आप ऊपर चढ़ेंगे आपको थकावट महसूस होती है बहुत ज्यादा, तो वो सिर्फ इसीलिए है कि आपका फ्लाइट एंगल स्टेयर्स का वो 45 डिग्री या 40 डिग्री या उससे ज्यादा है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। और फिर हम दोस्तों बात करते हैं आपकी हेडरूम की, यानी जो आपका ममटी जो आपकी हाइट रहेगी ममटी की
वो करीबन आप 8 फीट रखें। 8 फीट से ज्यादा रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 8 फीट से कम आप उसको ना रखें। हेडरूम आपको बहुत जरूरी है। और एक बात जो है अब इम्पोर्टेंट, ये है रेलिंग की। अब रेलिंग आप 3 फीट ही रखें हाइट रेलिंग की, आप स्टील वाली लगाएं या ग्लास वाली लगाएं। बट एक बात का ध्यान रखें, इसमें मास्टर पिलर जरूर लगवा लें। काफी सारे लोग चूक जाते हैं मास्टर पिलर लगवाने के लिए, एक पतला सा छोटा सा पिलर लगवा लेते हैं, नुवेल जिसको बोलते हैं। बट आपको मास्टर पिलर लगवाना है, बड़ा वाला नुवेल, और बड़े सारे डिजाइन में आता है वो, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है। रेलिंग है उसकी मजबूती बनी रहेगी और डिजाइन तो आपको वो देगा ही देगा। तो आप कोई भी सवाल हो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी तो, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि मेरा तो काम कंस्ट्रक्शन का है, मैं तो रोज करता ही रहता हूँ, काफी सारी साइट चल रही है मेरी अभी भी। तो कुछ भी टॉपिक पे चाहिए लाइव को, आपको मेरे साथ लाइव आना है व्हाट्सएप पे, आपकी साइट को ऑन साइट एक्सपीरियंस लेना है मेरे साथ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कमेंट जरूर करें दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ रहे।